जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ ज़ैब साहब, अब आवाज़ आ रही है तो काइंडली बता दें। इफ़ यू कैन हेयर मी, एनी वन ऑफ यू, इफ़ यू कुड रिस्पॉन्ड। जी सद्दाम साहब, राजा सद्दाम साहब, चलें, बहुत शुक्रिया जी। सो जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हवाले से है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस। इस पे हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। जो कुछ अभी हमने किया था बजट के हवाले से, उसको ज़रा इसके साथ थोड़ा सा लिंक करते हैं और फिर आके लेके चलते हैं। लास्ट डे भी हम यही बात कर रहे थे कि बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ बजट बनाना नहीं होता, इनफैक्ट अगर वो प्लान है तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है और देन लेटर ऑन कंपेयर किया जाता है विद एक्चुअल रिजल्ट्स। तो आप अगर रिकॉल कर सकें, जब हमने फ्लेक्सिबल बजट बनाया तो परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए हमने जो हमारा ओरिजिनल मास्टर बजट था, प्लानिंग बजट था, उसको हमने कन्वर्ट किया कि एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी जो हमारा हुआ, अगर उसके हिसाब से देखा जाए कि व्हाट एक्सपेंसेस शुड बी इनकर्ड और व्हाट रेवेन्यू वी शुड जनरेट, तो उसको कंपेयर किया जाए व्हाट एक्चुअली वी डिड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन एंड इन टर्म्स ऑफ इनकरिंग कॉस्ट, तो हम परफॉर्मेंस असेस कर सकते हैं और रिवॉर्ड पनिशमेंट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ है, ये बिगिन होती है परफॉर्मेंस एनालिसिस की आम तौर पे, कि अगर जो हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो अचीव नहीं होते, क्योंकि डिज़ायर्ड रिजल्ट या ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वी ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल, इज़ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो हमने सामने रखा और हमने जो सेल्स रेवेन्यू या जो एक्सपेंसिस का फोरकास्ट प्रिपेयर किया, अगर वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे और उसके नतीजे में हमारा प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ बट वी रिक्वायर्ड, तो जो हमारा रिक्वायर्ड प्रॉफिट था अगर जनरेट नहीं हुआ तो वी आर मच कंसर्न। हमने उस वक्त सोचा कि प्रॉफिट अगर उतना जनरेट नहीं हुआ तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, तो उस रीज़न को तलाश करने के लिए आपने फ्लेक्सिबल बजट में स्पेंडिंग और रेवेन्यू वेरियंसेस पता किए कि रेवेन्यू का कितना वेरियंस है जो प्रॉफिट को इफेक्ट कर रहा है, और इसी तरह से एक्सपेंसेस का, कॉस्ट का क्या वेरियंस है, स्पेंडिंग का क्या वेरियंस है, कि क्या इनकम होनी चाहिए थी और क्या हुई और कितना वो हमारे प्रॉफिट पे असरअंदाज हो रहा है। लेकिन अगर हम कंट्रोल मैकेनिज्म डेवलप करना चाहते हैं तो शायद ये हमारा जो फ्लेक्सिबल बजट के ज़रिए से हमने स्पेंडिंग रेवेन्यू वेरियंसेस निकालें, ये शायद हमें उस तरह से सर्व ना करें। उसके ना सर्व करने की प्राइमरी रीज़न यही है कि जब हम ओवरऑल एनालिसिस करते हैं तो ओवरऑल एनालिसिस की बुनियाद पे हम किसको कसूरवार ठहराएंगे, वी आर अनएबल टू आइडेंटिफाई। तो जब तक हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम प्रॉब्लम फिक्स भी नहीं कर पाएंगे। जी तो व्हाट इज़ यू नो बिहाइंड दिस, हमें वो अगर पता करना है तो हमें रूट कॉज तक जाना है। रूट कॉज को अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो आप प्रॉब्लम को फिक्स कर सकेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू फिक्स द प्रॉब्लम। तो इसका मतलब स्पेंडिंग या रेवेन्यू वेरियंसेस जो हमने फ्लेक्सिबल बजट के जरिए निकाले, शायद हमारे थोड़ा सा मकसद तो पूरा कर रहे हों कि हमें ओवरऑल पिक्चर मिल गई कि हमारा प्रॉफिट जो डिज़ायर्ड था अगर अचीव नहीं हुआ तो उसमें रेवेन्यू जनरेट करने वालों का फॉल्ट है या जो कॉस्ट इनकर करने के रिस्पॉन्सिबल है उनका फॉल्ट है। बट अगेन ये जो एनालिसिस है, अगर हम रेवेन्यू वालों की तरफ जाएं तो रेवेन्यू में एक साहब है जो मार्केटिंग का काम करते हैं, जिनका काम शायद कस्टमर्स को लेके आना है, तो वो कस्टमर्स को ले आते हैं, लेकिन जो फ्रंट एंड पे सेल टीम बैठी हुई है उनका काम कस्टमर को कन्विंस करना है ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर वो कन्विंस नहीं करते
so they might be held responsible. So what we need to do, we need to exactly identify कि जो हमारा वेरियंस अराइज हो रहा है प्रॉफिट के अंदर, जो होना चाहिए था प्रॉफिट उसके नतीजे में जितना एक्चुअली प्रॉफिट जनरेट किया गया, अगर इसमें डिफरेंस है, वेरियंस है, तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स कार फरमा हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये वर्ड स्टैंडर्ड के साथ हमने कॉस्टिंग लगाया है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वर्ड स्टैंडर्ड से निकला है, तो ये बजटिंग से कैसे लिंक है इस पर भी अभी मैं बात करता हूँ अभी। और हमारा ये भी एक टूल है, वेरियंस एनालिसिस, अगेन यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस, बट वी नीड टू डू, हम स्टैंडर्ड्स बिल्ड करना चाहते हैं और स्टैंडर्ड्स बिल्ड करके इम्प्लीमेंट करके अगेन हम परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वेरियंसेस आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ताकि उसकी बुनियाद पर रिवॉर्ड पनिशमेंट सिस्टम डेवलप किए जा सकें। क्योंकि अभी मैं सिर्फ वन साइडेड बात कर रहा हूँ, तो अगर आपको दरमियान में कहीं पे कन्फ्यूजन आता है तो आप इमीडिएटली हैंड रेज कर लीजिएगा और अपने सवाल कर लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहे सेशन और फिर आप बात को अच्छे अंदाज में लर्न कर सकें। मैं अभी आपकी तरफ एक क्वेश्चन फ्लोट करता हूँ, ताकि पहले कुछ बैकग्राउंड हम बिल्ड कर लें फिर आगे चलें। आप स्टैंडर्ड का वर्ड जब सुनते हैं तो व्हाट इज व्हाट कम्स इन योर माइंड, स्टैंडर्ड से क्या मुराद है? अब इसमें से ये कॉस्टिंग का वर्ड उड़ा दें, मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड बोला है, तो व्हाट डज इट मीन बाय स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड किसे कहेंगे? इफ एनी वन ऑफ यू कुड रिस्पॉन्ड बाय रेजिंग हैंड। राजा सदाम साहब, आपका माइक तो वैसे ही अनम्यूट है, आप खुद बता दें। अगर आपके जहन में कोई सुन के आती है बात, स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा। स्टैंडर्ड सर चीज को कहते हैं, एक जो हम तय कर लेते हैं कि इसके हम इसी के मुताबिक चलना, जैसे मतलब एसओपी की बात करते हैं हम, ये स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है, तय कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, इसी को फॉलो करना है जी। ठीक है, ओके, ये आपका वर्डिक्ट है, वर्जन है, अब किसी और से सुनते हैं। नबीला, आप बताइए। Assalamu alaikum sir. Sir, I think a standard would be a benchmark, right? Something that we, you know, a minimum requirement that we set for something. Okay, fine, good. Jazeb, aap kuch batana chahenge? Ji Jazeb. Ji Jazeb. अच्छा सर, स्टैंडर्ड ये है कि जैसे एक किलो है ये स्टैंडर्ड है, एक दर्जन अंडे में दर्जन में 12 हैं ये स्टैंडर्ड है, इसी तरह जैसे ये चीजें स्टैंडर्ड, और दर्जन में 12 केले हैं ये स्टैंडर्ड है। अच्छा जी, दर्जन में 12 केले हैं, आजकल तो किनो का सीजन है भाई, आप क्यों केले खरीद जा रहे हैं? केले सस्ते हैं सर, केले सस्ते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छी फ्रूट शॉप है। तंजील, तंजील, तंजील उर रहमान जी, तंजील उर रहमान जी, तंजील उर रहमान, आपने हैंड रेज किया, ऐसे ही रेज किया, चलें। सॉरी सॉरी सर, अनम्यूट नहीं किया था। जी बोलिए। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि स्टैंडर्ड मे बी डिफाइंड एज अ टूल टू मेजर समथिंग और टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ समथिंग। ओके, हेलो, ओके, आप कह रहे हैं, ठीक है, चले। अगर अभी जहाज़ेब भी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, जहाज़ेब आप बोल लें, मैं फिर इसको समाप्त करता हूँ जो अभी तक आप लोगों ने बताया है। नहीं सर, वो नहीं, अच्छा नहीं सर, वो गलती पहले के साथ। अब्दुल सबूर साहब, ओके अब्दुल सबूर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, एक मिनिमम क्वालिटी कह सकते हैं कि हमने सेट कर दी उसको। ठीक है, सो जो टर्म्स आप बोल रहे हैं ना, इन टर्म्स को मैंने इसीलिए कहा था कि आप ये चीज़ भूल जाएंगे, हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, फाइन, अब ये भूल जाएं। चलिए, अब आपने चूँकि क्वालिटी की बात की, तो चलिए मैं आपसे एक जनरल और एक और क्वेश्चन फ्लोट कर रहा हूँ। आप बताएं कि क्या आप प्रैक्टिकली ये बता सकते हैं कि आप लोगों ने पर्सनली हैव यू एवर डेवलप्ड एनी स्टैंडर्ड, और या आपने कोई स्टैंडर्ड फॉलो किया हो प्रैक्टिकली अपनी पर्सनल लाइफ से, आप सोचें और इसका जवाब आप दें, यस नो में पहले दे दें और फिर एग्जांपल से बताइएगा कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, डू यू हैव या डू यू एवर सेट एनी स्टैंडर्ड, और
आपने उस स्टैंडर्ड को सेट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया और फॉलो किया, कोई ऐसी चीज आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से बता सकें? सो देयर आर मैनी पीपल जिनके माइक ऑन भी उठे, वो खुद से अगर खुद से ही बता दें इंस्टेड के आई शुड पॉइंट आउट समवन। सर डेली यूजेज से अपनी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बता सकते हैं अपने डेली रूटीन से? मैंने डेली रूटीन से ही मांगा जनाब, ताकि आपकी डेली रूटीन से बाकी लोग भी बेनिफिट ले सकें। हाँ, कह सकते हैं कि जैसे हम अपनी डेली रूटीन में जब भी मार्केट जाएंगे या बाजार जाएंगे कोई भी चीज खरीदने के लिए, तो उससे हम अपने घर से ही या अपने माइंड में स्टैंडर्ड वर्ड आ गया, फिर स्टैंडर्ड सेट करके जाते हैं कि वी विल बाय अप टू दिस लेवल। ओके, अब यहाँ पे रुक जाइएगा, बहुत अच्छी बात आपने की है। मैं इसी तरह की प्रैक्टिकल एग्जांपल चाह रहा था जो आपने दे दी। आप कह रहे हैं कि वी व्हेनेवर वी गो टू मार्केट टू बाय एनी कमोडिटी एनीथिंग, जो भी आप, चाहे वो ग्रॉसरी आइटम ही क्यों ना हो, चाहे आप अपनी क्लॉथिंग बाय करना चाह रहे हैं, वट एवर, आप एक माइंड बना के रहते हैं। आप ये कह रहे हैं, सो जो आप माइंड बना के जा रहे हैं, अगर आप टेक्निकली समझें तो उसमें दो तरह के बेंच मार्क्स, दो तरह के स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व हैं। अब आप अगर प्रैक्टिकली समझें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लाइक आप किसी क्लॉथिंग ब्रांड की शॉप पे गए और कोई जो आपको सेल्समैन है इज शोइंग यू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनको उठा के आप साइड पे कर देते हैं, आप कहते हैं कि ये तो नहीं। अच्छा, तो ये जो आप जिनको रिजेक्ट कर रहे हैं अपनी नज़र में ये बिल्कुल भी नहीं, तो उसको रिजेक्ट करने के पीछे दो स्टैंडर्ड्स का फरमाया है। नंबर वन, एक तो ये है कि व्हाट क्वालिटी यू आर गोइंग टू यू नो एक्सपेक्ट, कि आप इस क्वालिटी की चीज़ बाय करेंगे, वो उस क्वालिटी बेंचमार्क पे चीज़ पूरा नहीं उतरी, तो आपने उस चीज़ को साइड पर रख दिया कि ये मेरे काम की नहीं है। एंड दूसरा जो बेंचमार्क है, दूसरा जो स्टैंडर्ड है, वो प्राइस का है, कि आपके हाथ में पैसे कितने हैं, जनाब जेब में पैसे कितने हैं। क्वालिटी वाइज वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ प्राइस टैग लगा हुआ है, तो उस प्राइस टैग को आप देखते हैं और उसको फिल्टर कर देते हैं, दिस कुड नॉट बी परचेस्ड। सो प्रैक्टिकली अगर आप कोई भी चीज़ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से समझ रहे हैं, आप कोई भी इस तरह का डिसीजन करते हैं, तो उस डिसीजन के पीछे स्टैंडर्ड इन्वॉल्व है। वो स्टैंडर्ड इनफैक्ट एक यार्ड स्टिक है, एक बेंच मार्क है, जैसे अभी बोला भी क्या, एक बेंच मार्क, एक यार्ड स्टिक, बेस्ड अपॉन दैट यू आर गोइंग टू डिसाइड समथिंग। वो पैसों का है, वो क्वालिटी का बेंच मार्क है, वो किसी और चीज़ के, जैसे आप कलर का बेंच मार्क कह सकते हैं। आप कहते हैं मैंने जनाब रेड कलर का ड्रेस नहीं पहना, लाइक जैसे मेल्स हैं वो कहते हैं जी मैंने रेड कलर का ड्रेस नहीं पहना। अगर फीमेल्स की बात करें तो इट माइट बी पॉसिबल कि उनकी कोई कलर स्कीम उन्होंने डिसाइड की हुई है कि मैंने ये वाला ड्रेस या इस कलर में चीज़ बाय नहीं करनी, तो वो कलर का भी आपने एक बेंचमार्क बनाया हुआ है। तो बेंचमार्क या स्टैंडर्ड कुड बी ऑफ एनीथिंग, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। वो बेंचमार्क या यार्डस्टिक या स्टैंडर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसके अगेंस्ट आप फिर असेस करते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इवेल्यूएट करते हैं। अब आप इस चीज़ को आप आई सी एम ए के एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं अगर इन द पास्ट या फ्यूचर में होंगे, तो देर इज़ अ यार्ड स्टिक, देर इज़ अ बेंच मार्क, जो उस यार्ड स्टिक या बेंच मार्क को क्रॉस करेगा तो विल बी डिक्लेयर्ड एज पास, और जो उस यार्ड स्टिक या उस बेंच मार्क से पीछे रह जाएगा ही कैन बी डिक्लेयर्ड, ही और शी कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ फेल्यूर। तो वो भी एक यार्ड स्टिक है, वो भी एक बेंच मार्क है। आप क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का जिक्र सुनते हैं, ISO का नाम अगर आपने सुना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यू नो कि बहुत सारी ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको सर्टिफिकेशन ISO की जानिब से दी जाती है, वो जो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं जिनके मुख्तलिफ नंबर्स हैं, आपके इलम में होगा 9000, 9001, 10000, 10001, 2, 3 मुख्तलिफ हैं। तो देर आर डिफरेंट क्वालिटी बेंच मार्क्स विच आर बींग सेट बाय समवन, तो जो उसको अचीव कर लेते हैं, हम सर्टिफाई कर देते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, ये इन क्वालिटी बेंच मार्क्स को पूरा करते हैं, दैट्स वाई हम इसकी सर्टिफिकेशन इसको दे रहे हैं। सो अगर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन हैं और दे आर बींग सर्टिफाइड,
विद द सेम स्टैंडर्ड, जिसका मतलब वो वाला बेंचमार्क हर ऑर्गेनाइजेशन जिनको वो सर्टिफिकेशन मिली है वो फुलफिल कर रही है। तो एक ऑब्जेक्टिव तो शायद इसका परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करना भी, यानी हम अगर डिसाइड करना चाह रहे हैं, हम कोई डिसीजन करना चाह रहे हैं आइदर टू परचेज और नॉट टू परचेज, तो उसके अंदर भी बेंचमार्क हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह क्वालिटी बेंचमार्क से बन रहे हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। ये बेंचमार्क तो एक तरफ तो हमें हेल्प करते हैं टू डिसाइड समथिंग, व्हाटएवर कोई भी डिसीजन वो हमें डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, बट ऑन द अदर साइड स्टैंडर्ड्स का दूसरा ऑब्जेक्टिव यूनिफॉर्मिटी लेके भी आना है। जैसे शुरू में एक साहब ने जो बात बताई, फिर ऐसे SOPs का नाम आजकल लिया जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। इनफैक्ट वो भी बेंचमार्क्स हैं, वो भी यार्ड स्टिक्स हैं कि जिनको फॉलो किया जाना चाहिए, विच इज़ बीइंग सेट बाय द यू नो बाय द गवर्नमेंट, कि इन यार्ड स्टिक्स को, इन बेंचमार्क्स को फॉलो किया जाना चाहिए। फाइन, तो वो जो यार्ड स्टिक या बेंचमार्क्स फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, उसकी बुनियाद पर भी अगेन को कोई डिसीजन करना है। तो इन जनरल अगर बात करें तो स्टैंडर्ड किसी भी तरह का हो सकता है, यानी वो यार्ड स्टिक है, वो बेंचमार्क है, हमारे अपने बेंचमार्क्स ये भी हो सकते हैं, हु कैन बी इन माई फ्रेंड लिस्ट, कौन मेरी फ्रेंड लिस्ट में होगा और कौन नहीं होगा, तो ये भी एक बेंचमार्क है। सो बेंचमार्क्स आर एवरीवेयर इन आर प्रैक्टिकल लाइफ एंड डेली रूटीन। हम अगर समझ नहीं पाते तो वो एक अलहदा चीज़ है, बट वी हैव यू नो हमने खुद से स्टैंडर्ड सेट भी किए हुए हैं जिसे हम बेंचमार्क या यार्ड स्टिक कह रहे हैं, और हम उनको अप्लाई भी करते हैं और उसको अप्लाई करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस भी करते हैं। नंबर वन। नंबर टू, हम यहाँ पे उन तमाम स्टैंडर्ड्स की इनफैक्ट बात नहीं कर रहे जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि वो क्वालिटी क्या है, वो परचेज क्या है, वो कलर क्या है, वो फ्रेंडशिप लिस्ट में ऐड होने का या ना ऐड होने का है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे हैं कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स की। तो जो मैंने लिखा हुआ है टाइटल स्लाइड का, अगर उसको उल्टा पढ़ूँ तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की नहीं मैं बात कर रहा, मैं प्राइमरीली बात कर रहा हूँ कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स की। मेरा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट के स्टैंडर्ड्स को बिल्ड करना है। अब ये क्यों बिल्ड किया जा रहा है? नंबर वन, अगेन मैं यूनिफॉर्मिटी लाना चाहता हूँ, एक। नंबर टू, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास डिसाइड करने के लिए कोई यार्ड स्टिक मौजूद हो। अब वो यार्ड स्टिक, चूँकि मेरा ऑब्जेक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए मैं पहले कॉस्ट के बेंचमार्क्स यार्ड स्टिक्स डेवलप करूँगा कि किसी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इतनी कॉस्ट इनकर होनी चाहिए। इतनी कॉस्ट जो इनकर होनी चाहिए उसे हम कॉस्ट का स्टैंडर्ड कहेंगे। तो वो कॉस्टिंग स्टैंडर्ड हमें लेटर ऑन हेल्प करेगा वाइल इम्प्लीमेंटिंग कि क्या हमने अपने डिज़ायर्ड बेंचमार्क्स को मीट किया या नहीं किया। बिकॉज अगर हम डिज़ायर्ड बेंचमार्क्स को मीट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। सो कॉस्टिंग स्टैंडर्ड से मुराद तमाम तरह की कॉस्ट के स्टैंडर्ड्स को बिल्ड करना है, और उन कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स की बुनियाद पर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को रेट करेंगे। और रेट करने के अलावा ये भी देखेंगे जो वर्कर्स उस कॉस्ट को इनकर करने के रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं। अगर इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे तो वी नीड टू पनिश देम। हमें उनको उस रास्ते पे लेके आना है ताकि हम यूनिफॉर्मिटी अचीव कर सकें, और यूनिफॉर्मिटी के साथ साथ हम अपनी परफॉर्मेंस को भी बेहतर बना सकें। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इन फैक्ट कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो जो अभी तक मैंने बात की, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्रेस कर सकते हैं। इफ इट इज क्लियर तो दैट्स ग्रेट। एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज। इफ आई मे, जो हम फिर अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस रखते हैं, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन यू नो दीस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एग्जैक्टली। अभी हम इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर देते हैं, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए, यूजुअली होता ये है कि हम प्रोडक्ट की प्राइस बनाते हैं वाइल सेलिंग इट इन द मार्केट, बिफोर सेलिंग इट इन टू द मार्केट। बिकॉज अगर आप मार्केट में वो प्रोडक्ट सेंड करते हैं, तो मैं ये कुछ लिखता हूँ आपके सामने ज़रा मुझे अंडरस्टैंडिंग में, ताकि आपको हेल्प हो सके।
जी चलें, अगर हम प्राइस बनाने की बात करते हैं तो प्राइस कैसे बनती है? प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ऐसे ही है जी। तो अगर हम ये प्राइस बनाना चाहते हैं, इस प्राइस को बनाने के लिए व्हाट वी नीड टू डू फर्स्टली द कॉस्ट। अब अगर आप रिकॉल कर सकें तो हमने इस कॉस्ट को तीन कंपोनेंट्स में कैटेगराइज किया था। मैं ज़रा एब्रीवेशन से लिख देता हूँ ताकि ज़रा मेरे वो सेल्स के अंदर पूरा आ जाए, ऐसे ही है जी। तो ये टेक्निकली ये कॉस्ट के जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे सामने, हमने कहा था कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल शामिल है, डायरेक्ट लेबर शामिल है और फैक्ट्री ओवरहेड शामिल है। जी ठीक है, जी। सो जी ये मेरी तीन तरह की कॉस्ट है जिनकी बुनियाद पे मेरी प्राइस बनेगी इनफैक्ट। सो मेरा सवाल ये है कि क्या हम चीज़ें बेचने के बाद प्राइस डिसाइड करेंगे या चीज़ें मार्केट में सेंड करने से पहले प्राइस डिसाइड करेंगे? सो वी नीड टू डिसाइड बिफोर सेंडिंग इट टू द मार्केट कि हमारी प्राइस प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए। यूजुअली हम कोई भी कमोडिटी बाय करते हैं तो उस कमोडिटी पे प्राइस प्रिंट होती है। सो उस कमोडिटी पे जो प्राइस प्रिंट होती है उसको तय करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू कि हमारी कॉस्ट कितनी इनकर होगी। सो जितनी कॉस्ट इनकर होगी उसमें से ये बात हम बड़ी डिटेल में कर चुके हैं कि डायरेक्ट मटेरियल जो है ये दिस इज नोन टू अस फॉर वन यूनिट। लेबर कॉस्ट में हम बात कर चुके हैं दिस इज नोन टू अस फॉर वन यूनिट। लेकिन हमारे लिए जो चीज़ अननोन होती है, एक सिंगल यूनिट के लिए जो चीज़ आइडेंटिफाइबल नहीं है, अगर वो इनडायरेक्ट मटेरियल भी है तो वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में गया। इनडायरेक्ट लेबर चूँकि वो एक सिंगल यूनिट के लिए आइडेंटिफाइबल नहीं है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में काउंट होगी। सेलिंग जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस है, फैक्ट्री का रेंट एंड ऑल दैट, हाउ मच इट इज़ बीइंग इनकर फॉर वन यूनिट। अगर ये आइडेंटिफाइबल नहीं है तो चूँकि ये आइडेंटिफाइबल नहीं होता तो इफ यू रिमेंबर तो ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है इसको मैं ज़रा थोड़ा सा डाउन करता हूँ यहाँ पे। आप इफ़ यू रिमेंबर तो आप अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर वो जो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड रेट आप कैलकुलेट करते हैं वो टेक्निकली हमारा एस्टिमेटेड बेंचमार्क रेट होता है कि इतना हमारा फैक्ट्री ओवरहेड इनकर होना चाहिए। सो अभी हम सिर्फ ये बात कह देंगे ये दो चीज़ें तो हमें नोन थी लेकिन हमने फैक्ट्री ओवरहेड को एस्टिमेट किया एक बेंचमार्क की बुनियाद पर, उसको हमने शामिल किया इस डायरेक्ट मटेरियल और लेबर की कॉस्ट में और टोटल कॉस्ट बनाई, फिर उसमें प्रॉफिट ऐड किया और प्राइस बना के हमने मार्केट में बेच दिया। फिर रिमेंबर तो जब आप वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं और आप अगर वो बनाते हुए अप्लाइड इफेक्टिव रेट यूज़ करते हैं तो लेटर ऑन जब आपको एक्चुअल एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको कंपेयर करते हैं विद अप्लाइड इफेक्टिव रेट एंड देन ओवर अंडर अप्लाइड ओवरहेड की एडजस्टमेंट करते हैं उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। सो वो ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए, लेकिन हमने प्राइस फिर भी इसीलिए पहले एफओएच को एस्टिमेट किया बिकॉज वी वांट टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट। ये दो चीज़ें नोन है। हम अब यहाँ से आगे चल पड़े। अगर ये हमें नोन ना हो या हो भी तो हम अभी ये बात करने लगे हैं कि ये नोन है या नहीं है। हमारा कोई ना कोई बेंच मार्क ज़रूर होना चाहिए कि इतनी कॉस्ट हमारी इनकर होनी चाहिए। वो जो कितनी कॉस्ट इनकर होनी चाहिए ये हम क्यों बेंचमार्क बिल्ड करने में इंटरेस्टेड हैं? हमारा ऑब्जेक्टिव इस बेंचमार्क को बिल्ड करने का प्राइमरीली ये है कि हम इस बेंचमार्क की बुनियाद पे एक तो यूनिफॉर्मिटी अचीव करेंगे और सेकेंडली इसकी बुनियाद पे कुछ डिसीजंस करेंगे। वो डिसीजन किसी भी तरह के हो सकते हैं। अगर उसमें पहला डिसीजन परफॉर्मेंस एनालिसिस का ही क्यों ना हो तो हम परफॉर्मेंस एनालिसिस का डिसीजन करना चाहते हैं। सो अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करके बैठे होंगे तो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को अगर इंप्लीमेंट किया हुआ है तो हम कोई प्रोडक्ट रेगुलरली बना रहे हैं या नहीं बना रहे बिफोर
स्टार्टिंग द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट, हम उसके प्रोटोटाइप्स बनाते हैं। तो जब हम प्रोटोटाइप बनाते हैं तो उस प्रोटोटाइप्स को बनाते हुए हमें पता लग जाता है कि व्हाट शुड बी आवर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, व्हाट शुड बी आवर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड व्हाट शुड बी ओवरहेड्स फॉर वन यूनिट, और जितना होना चाहिए ये बेंचमार्क है। फिर हम जब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम इन बेंचमार्क्स को डिप्लॉय करते हैं और इसी की बुनियाद पे फिर हम अपनी परफॉर्मेंस को असेस भी करते हैं। सो अगर प्राइसिंग डिसीजंस की बात करें तो प्राइसिंग डिसीजंस के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज अगर हमें पता होगा कि व्हाट कॉस्ट वी शुड इनकर, कितनी होनी चाहिए, हम उसकी बुनियाद पे अपने कस्टमर से जो डिसीजन डिफरेंट किए थे हमने, इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने ये किया था कोई स्पेशल ऑर्डर हमें मिलता है, हम उसका प्राइसिंग डिसीजन करना चाहते हैं, तो वो जो प्राइसिंग डिसीजन हम कर रहे हैं उसके अंदर भी अगर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इन्वॉल्व था, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व थी, तो हम उसके अंदर भी व्हाट इज़ गोइंग टू बी इनकर्ड, अभी इनकर हुआ नहीं है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी इनकर्ड, कितना होगा ये हमने सोचा, और उसकी मतलब वो जो जितना होगा वो हमारा बेंचमार्क था, हम उसी बेंचमार्क को लेके आगे चल रहे हैं और उसी की बुनियाद पर हम आगे चीज़ों को डिसाइड करते हैं। जहाँ नबीरा मेरी बात अगर समझ आएगी वो आपको। राइट सर। ओके, सो अभी जो हमने बात की वो ये थी कि हम पहले बेंचमार्क्स बनाएंगे। आसिफ आपने हैंड रेज किया है, जी आसिफ प्लीज। जी आसिफ आप सवाल पूछ सकते हैं। आसिफ साहब आपने हैंड रेज किया, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें जेंटलमैन। जी एहतियाती तौर पे आपने हैंड रेज किया है, ओके दैट्स ऑल। जी ओके, तो मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि हम जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू बिल्ड स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल दीज कॉस्ट। अगर हम इन तमाम तरह की कॉस्ट का स्टैंडर्ड बिल्ड करना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर हमें डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट का स्टैंडर्ड बनाना है, जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का स्टैंडर्ड है ये अगर हम ये कह दें, मैं अज्यूम करता हूँ, अगर हम ये कह दें कि 100 रुपीज़ का मटेरियल लगना चाहिए, ये हमारा स्टैंडर्ड था, कॉस्ट इतनी लगनी चाहिए, और जो एक्चुअल हमारी मटेरियल कॉस्ट लगी है, लेट सपोज अगर वो भी 100 लगी है, फर्ज कर रहा हूँ मैं अभी, तो व्हाट डज इट मीन कि जो हमने बेंचमार्क सेट किया था, जो हमने यार्डस्टिक एस्टैब्लिश की थी, क्या हमने उसको अचीव किया या नहीं किया? एनी वन ऑफ यू अचीव किया या हमने नहीं किया? सर आई थिंक किया है। जी हाँ, हमने किया है। अपेरेंटली हमारे सामने जो पिक्चर नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि हमें 100 रुपीज़ की मटेरियल कॉस्ट इनकर करनी चाहिए थी और 100 रुपीज़ की मटेरियल कॉस्ट हमने इनकर कर दी। बट द क्वेश्चन इज दिस कि जब हम ये कह रहे हैं कि 100 रुपए का मटेरियल लगना चाहिए तो ये 100 रुपए का मटेरियल इज़ नथिंग। इन फैक्ट ये 100 रुपए का मटेरियल जो है ये डिफाइन करता है कि मटेरियल जो आपने बाय करना है वो 100 रुपए का हो सकता है कि आज जितनी क्वांटिटी में मिल रहा हो, आज से एक दिन बाद, दो दिन बाद, दस दिन बाद उतनी क्वांटिटी में ना मिलता हो। हमारे सामने फ्यूल की प्राइसेस की एग्जांपल है कि एवरी 15 डेज, पहले मंथली बेसिस पे होता था, अब आफ्टर एवरी 15 डेज हमारे जो ये प्राइसेस हैं वो दोबारा गवर्नमेंट रिकंसिडर करती है और पर लीटर प्राइस को डिसाइड करती है। मैं अज्यूम करता हूँ कि आज जो पर लीटर प्राइस है वो 100 है और हमने बेंचमार्क सेट किया कि हमारा जो मटेरियल इनकर होना चाहिए वो 100 रुपीज़ का इनकर होना चाहिए, फाइन। लेकिन हमारा जो मटेरियल कॉस्ट है वो 100 की बजाय अगर 100 से ज़्यादा की इनकर हो रही है तो हम बड़े वरीड हैं, हम उसको सोचने पर मजबूर हैं। बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि 100 की ही कॉस्ट लग रही है तो हम कहें एवरीथिंग इज़ फाइन। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि प्राइस कम कर दी है, तो जो आज 100 का फ्यूल हमें मिल रहा है अगर वो एक लीटर का है, अगर वो एक लीटर हमें मिल रहा है तो हमें ये देखना है कि क्या आज भी हमें एक लीटर ही मिल रहा है या एक लीटर से कम ज़्यादा मिल रहा है। तो इसका मटेरियल कॉस्ट का स्टैंडर्ड है, अगेन
जो ओवरऑल स्टैंडर्ड है ये हमें कोई इतना खास शायद मतलब ना दे रहा हो, ये जो स्टैंडर्ड है ये दो चीज़ों से मिल के बना है, दो चीज़ों से, दो बेंचमार्क से मिल के बना है। एक मटेरियल की क्वांटिटी का स्टैंडर्ड होगा और एक मटेरियल के रेट का स्टैंडर्ड होगा। अगर रेट मीन या प्राइस, अगर मेरी बात आप समझ पा रहे हो तो आप रिस्पॉन्ड करते जाइएगा। मैंने इसके सामने लिखा ये दो तरह के मेरे बेंचमार्क्स बनेंगे, नंबर वन क्वांटिटी स्टैंडर्ड है और नंबर टू मेरे सामने जो नज़र आ रहे हैं वो प्राइस का स्टैंडर्ड है, और ये दो स्टैंडर्ड मेरे इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करें। सो अगर मैं ये कहूँ कि 100 रुपये का मटेरियल लगना चाहिए तो टेक्निकली शायद ऐसा है कि 5 kg मटेरियल लगना चाहिए और ₹20 पर kg मुझे मटेरियल मिलता है। तो ये मेरा बेंचमार्क है, मैंने इस्टेब्लिश किया कि अगर कोई परचेज़ करने वाला बंदा है, अगर वो मार्केट से मटेरियल लेने के लिए जाएगा, जो परचेजर है जिसका काम मार्केट से प्रोडक्ट को मटेरियल को ख़रीद के लाना है, तो उसका काम ये होगा कि वो 20 रुपये पर kg में ले के आए। जो मटेरियल यूज़ करना है उसका परचेजर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मटेरियल अगर प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होगा तो वो मटेरियल 5 kg फॉर 1 unit यूज़ होना चाहिए। अगर एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें 5 kg मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारा बेंचमार्क है, ये हमारी यार्ड स्टिक है, ये हमने इस्टेब्लिश की। हमारे एक्चुअल रिजल्ट हमें बता रहे हैं कि 100 की ही कॉस्ट लगी है, तो हम अपेरेंटली वी आर हैप्पी विद दिस कि हमने प्लान किया था, हमने फोर कॉस्ट या बेंचमार्क सेट किया था कि 100 रुपये की कॉस्ट लगनी चाहिए और एक्चुअली भी 100 रुपये की कॉस्ट लग गई। तो इट माइट बी पॉसिबल दैट एवरीथिंग मे नॉट बी ओके, ये पॉसिबिलिटी है। अगर प्रैक्टिकली ऐसा ही हुआ कि 5 kg ही मटेरियल लिया गया और 20 रुपीज़ पर kg ही परचेज किया गया तो देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। इट माइट बी पॉसिबल कि ऐसा हुआ हो कि हमने 4 kg मटेरियल इस्तेमाल किया हो और जो 4 kg मटेरियल है जो ख़रीद के लाने वाला है वो 25 रुपये पर kg में लेके आ रहा हो। तो अगर वो 25 रुपये पर kg में लेके आ रहा है, हमने जो बेंचमार्क सेट किया था, अगर ओवरऑल कॉस्ट को देखेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट तो हमें सब हरी पिक्चर बता रही है, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो जो परचेज करके लाने वाला है जिसकी ज़िम्मेदारी थी वो 20 रुपीज़ पर kg में लाता, वो 20 में नहीं लाया, उसके 20 में ना लाने की वजह से वो इनएफिशिएंसी जो शो कर रहा है, हमें नुकसान हो सकता था लेकिन वो नुकसान हमें नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि हमारा दूसरा वर्कर था वो एफिशिएंट था। यानी मैं यहाँ पे ये मेंशन कर रहा हूँ, ये एक्चुअल क्वांटिटी है जो इस्तेमाल की गई और ये एक्चुअल रेट या प्राइस है पर kg जो हमने पे की है। सो अगर हम गौर करें तो जिसने क्वांटिटी मटेरियल की यूज़ करनी थी वो 5 kg यूज़ करनी थी, उसने 4 kg यूज़ कर दी, यानी उसने वो फाइनल प्रोडक्ट हमें कम मटेरियल में बना दी, मटेरियल वेस्ट नहीं किया जितना यूजली वेस्ट होता था, उसको सेव कर दिया। तो वो एफिशिएंट वर्कर है, जबकि दूसरा वर्कर जिसका काम परचेज करके लाना है वो 20 रुपये पर kg की बजाय 25 रुपये अगर पर kg में परचेज करके ला रहा है तो टेक्निकली ही इज़ इनएफिशिएंट वर्कर, इनएफिशिएंट वर्कर है। बट उसकी इनएफिशिएंसी दूसरे वर्कर की एफिशिएंसी के पीछे हाइड हो रही है। अगर हम ओवरऑल कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं, ओवरऑल कॉस्ट से मुराद कि हमारी कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी और कितनी लगी, अगर हम सिर्फ इसी का कंपैरिजन करते हैं तो हमें सब चीज़ ठीक नज़र आ रही है कि एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 100 है और स्टैंडर्ड या बेंचमार्क भी हमारा 100 का था। बट इन प्रैक्टिकल सिचुएशन जब तक आप रूट कॉस्ट तक नहीं पहुंचेंगे, चलें अगर मैंने जैसे बोला कि 5 kg ही लगा 20 में ख़रीदा के, तो दोनों के लिए तालियां बनती हैं, दोनों के लिए क्लैपिंग बनती है, दोनों वर्कर्स के लिए अप्रिसिएशन बनती है। वी शुड टेल दम कि आपने बहुत अच्छा काम किया, कीप इट यू नो कॉन्टिन्यूड, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जा सकें। लेकिन अगर हम इस तरह की सूरत हाल में ओवरऑल कॉस्ट को देख के ही डिसाइड कर दें तो जो वो एफिशिएंट वर्कर है जिसने 5 की बजाय 4 kg मटेरियल इस्तेमाल किया, वेस्टेज को मिनिमाइज किया, प्रोडक्शन सुपरवाइज़र जो है जो सारी प्रोडक्शन को लुक आफ्टर कर रहा है,
जिसकी जिम्मे है ये सारा काम, उसने मटेरियल आपको सेव करके दिया, आप उस मटेरियल सेव करने के बावजूद आप जस्ट अ मिनट, एक एमरजेंसी कॉल है।
Excuse me, sir. अगर आप कुछ कह रहे हैं तो we are not able to hear you. जी सॉरी, ये कुछ आवाज का इशू था, अब फिक्स हो गया है मेरे ख्याल में, अब आवाज आ रही है. जी सर अभी आ रही है. जी दैट्स ग्रेट. ओके, थोड़ा सा इशू था तो मैं ये कंप्लीट कर दूं जो मैं लिख रहा था. मैं दोबारा बात रिपीट कर देता हूं व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ओके, ओके चले. मैं ये जो बात बयान कर रहा था वो उससे पहले अभी कुछ और लोगों ने भी हैंड रेज किया और क्वेश्चन भी आ रहे हैं. अच्छा, नो वॉइस वाले हैं ज़्यादा. अच्छा जी, नो वॉइस, नो वॉइस. अच्छा जी, आसिफ अली साहब ने एक सवाल लिखा है, पहले मैं उसको देख लूँ. वो कह रहे हैं वाइल डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट वाइल वी विल जस्ट कंसिडर द मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट ओनली. जेंटलमैन, आमतौर पर मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन से हम कन्वेंशनली अगर बात कर रहे हो, हमने जो कॉस्टिंग सिस्टम्स पढ़े वो दो ही हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है या वेरिएबल कॉस्टिंग है. और दोनों तरह के कॉस्टिंग सिस्टम के मुताबिक जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शामिल होती है, उसमें नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसे सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहते हैं वो शामिल नहीं होती. हाँ, लेकिन अगर आप उसको शामिल करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करती भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो पास ऑन नहीं करना चाहिए, जो जहाँ पे मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं इदारे की, सॉरी कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस ज़रा स्ट्रॉन्ग हैं, वहाँ पे इन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है. जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारी बात चलती है कि चीनी की प्राइस ज़्यादा चार्ज की जा रही है और उसके ज़्यादा चार्ज करने की क्या रीज़न है, इसको इन्वेस्टिगेट करें. फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट्स के बारे में बात होती है, बिकॉज अगर प्राइमरीली बात करें तो जो इदारे कह रहे हैं कि अगर हम इतनी पैसे स्पेंड करते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसमें एक मार्जिन रख के प्राइस, वो प्रॉफिट, वो प्रॉफिट इसीलिए अर्न कर रहे हैं कि आप अपने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर करें. आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके फिर नेट प्रॉफिट निकालेंगे, इसीलिए सेल्स में से कॉस्ट माइनस करने के बाद रिजल्ट होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट है. बिजनेस तो आपने चलाना है, दैट डजंट मीन कि आपने जो कुछ चलाने के लिए एक्सपेंस इनकर किया वो भी आप क्लाइंट्स को पास ऑन करें. इसी से प्राइसेस जो हैं वो हाइक होती हैं, ऊपर जाती हैं. लेकिन प्रैक्टिकली अगर कहें तो इदारे करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वाकई में करते हैं. अच्छा, किसी और ने हैंड भी रेज किया हुआ था, शायद इसी वजह से था. ओके दैट्स ऑल. चलें, जो मैं बात बयान कर रहा था वो ये था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर हमने ये डिफाइन किया 100 और 100 की एक्चुअल कॉस्ट लगती है और हम इसकी बुनियाद पे ये कह रहे हो कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो ये ट्रू पिक्चर नहीं है. हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमने डिसाइड किया है, क्या हम वाकई ही में उतनी ही जो बेंचमार्क्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ताकि अगर कोई एक वर्कर एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें, और जो इनएफिशिएंट परफॉर्म कर रहा है उसको आप पनिश करें. रिवॉर्ड पनिशमेंट सिस्टम्स अगर डेवलप करना चाहते हैं तो रूट कॉज तक जाना पड़ेगा. सो अगर ये 100-100 की कॉस्ट और हमें कोई मसला नज़र नहीं आ रहा, तो व्हाट इफ अगर ऐसा हो जाए कि हम जो 4 पर केजी की बजाय जो 4 पर केजी पे ला रहा है वो 5 रुपये पर केजी पे ही ले आए, तो फिर हमारी कॉस्ट शायद 125 की हो जाए, तो देन वी विल बी इन ट्रबल. अगर हम उस वक्त अपने वर्कर को पूछेंगे कि आप 5 रुपये पर केजी में ला रहे हैं, तो लास्ट टाइम तो आप 4 में लाए थे, जो सॉरी 4 केजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं कर रहे थे पहले और अब आप 5 केजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ही हैज़ वेरी क्लियर आंसर कि मैंने वही क्वांटिटी इस्तेमाल की है जितना आपने बेंचमार्क सेट किया हुआ है. सो अगर आपने ये बेंचमार्क सेट किया हुआ है 5 केजी का, तो मैं तो 5 केजी यूज़ कर रहा हूँ, तो देयर इज नथिंग फॉल्टी एट माई साइड. आप दूसरे वाले के पास जाते हैं जो परचेजर है, उसको कहें जनाब आप 25 रुपये पर केजी में क्यों ला रहे हैं, यू नीड टू परचेज इट एट 20 रुपीज़ पर केजी, आप 25 में क्यों ला रहे हैं, तो वो कहेगा मैं तो लास्ट टाइम भी 25 में लाया था, आपने तब तो मुझे कुछ नहीं कहा. सो इनफैक्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने का कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ एवरीवेयर. अगर हम किसी एक को पकड़ेंगे तो वो दूसरे पर बात डालने की कोशिश करेगा. तो हमें इससे पहले कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा इनकर हो और हम उस वक्त प्रॉब्लम फील करें, हमें अगर ये 100 की कॉस्ट भी टोटल लग रही है तो इस ओवरऑल एनालिसिस की बुनियाद पे नहीं जाना. हमें ये देखना है कि व्हाटएवर स्टैंडर्ड वी हैव, व्हाटएवर बेंचमार्क वी हैव एस्टैब्लिश्ड,
क्या उस बेंचमार्क को फॉलो किया गया या नहीं किया गया, और जो उस बेंचमार्क को फॉलो करवाने का रिस्पॉन्सिबल है उसको आइदर तो रिवॉर्ड किया जाए और आइदर पनिश किया जाए, तभी हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, अदरवाइज हमारी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकेगी। अनूर आपने पूछा है हाई लो मेथड, अब तो मैं हाई लो की अच्छा स्लाइड्स आपने कही हैं तो स्लाइड्स मैं आपको भेज दूंगा। ओके फाइन। अच्छा जी 4 kg पे उसका कॉम्पनसेशन मिलेगी 4 kg पे। फिजान आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया, आप हैंड रेस करके पूछ लें जी। जहाँदेव साहब आप बात कर सकते हैं, बोलें। अच्छा अच्छा सर जी, सर आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोलिए। अच्छा सर ये उसने अगर दिया 5 kg ठीक है और वो यूज करता है 4 kg ठीक है जी जी जी, आपकी आवाज चलेगी जेंटलमैन। चलें जितना सवाल मैं आपका समझा मैं उसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। आप कह रहे हैं अगर 5 kg यूज़ करना था और 4 kg यूज़ किया गया तो इट माइट बी पॉसिबल कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इफेक्ट हो गई हो, यही कहना चाह रहे हैं? जी सर यही। जी ठीक है जी, लेकिन जी ठीक है, तो हम जिस एजम्पशन के तहत चल रहे हैं वो एजम्पशन ये है कि प्रोडक्ट क्वालिटी इफेक्ट नहीं हुई। मैंने तो ज़रा मेजर वेरिएशन आपको शो की है ना, प्रैक्टिकली अगर 5 kg इस्तेमाल होना और कोई 4.9 kg कर देता है तो वो भी अप्रिशिएबल है। तो वो जो हमने आमतौर पे बेंचमार्क बनाया कैसे होता है वो भी मैं भी आपसे बात करता हूँ, तो वो बेंचमार्क बनता कैसे है हमें वो भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आपका अच्छा पॉइंट है, इसके नतीजे में पहले इंस्टेंट के हम आगे रहे, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हमने बेंचमार्क इस्टेब्लिश करना है तो हम बेंचमार्क कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, नंबर वन। ओके चले, अगर हमने ये बेंचमार्क बनाया मटेरियल का तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमने डायरेक्ट मेडिकल का अगर बेंचमार्क बनाया तो डायरेक्ट लेबर का बेंचमार्क भी बनाना पड़ेगा हमें। अगर डायरेक्ट लेबर का बेंचमार्क भी अगेन अगर मैं कह दूँ ये 100 है और एक्चुअल लेबर कॉस्ट जो लगी है वो भी हमारी जी वो भी 100 रुपी की है तो ये ओवरऑल एनालिसिस शायद हमें बेनिफिट नहीं देता। हमें फिर समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो बेंचमार्क बना है लेबर कॉस्ट का वो 2 चीज़ों से मिल के बना है। वो किन 2 चीज़ों से मिल के बना है? एक तो जब आप कहते हैं 100 रुपए की लेबर कॉस्ट लगेगी तो इसके पीछे लेबर टाइम का स्टैंडर्ड होगा, लेबर टाइम कह लें या लेबर आवर्स का स्टैंडर्ड होगा कि एक यूनिट बनाने के लिए इतना टाइम लगेगा। लेबर को आपने पैसे देने हैं, जो रेट आपने तय किया वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि 20 आवर्स लगते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए और आप ₹5 per hour पे करते हैं तो आपका ये बेंचमार्क है 100 का। तो जब आप बात करेंगे कि एक्चुअली कितनी कॉस्ट लगी है तो हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल आर्ट्स कितने स्पेंड किए गए और एक्चुअल रेट तय करना किसी और का काम होगा। यानी जो प्रोडक्शन सुपरवाइज़र है उसका तो ये काम ज़रूर है कि वो 20 घंटे वाला काम 20 घंटे में करवाए। अगर फर्ज कर लें 25 घंटे काम किया गया हो और जो जिसका काम है लेबर को रिक्रूट करना, HR डिपार्टमेंट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं उनका काम है लेबर के साथ वो निगोसिएशन करना, सेटल करना दैट हाउ मच ही और शी विल बी पेड। तो अगर ये इस तरह से कर लिया जाए तो इसका मतलब शायद जो लेबर वाला डिपार्टमेंट है हमारा जो लेबर को हायर करता है वो तो बड़ा एफिशिएंटली काम कर रहा है। वो वर्कर के साथ निगोशिएट करने के बाद जो काम 5 रुपए per hour में होना चाहिए वो 4 रुपए per hour में करवा रहा है और उनसे डील करवा रहा है कि आप 4 रुपए में ये काम करेंगे। बट ऑन द अदर साइड ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत है कि जो एक्चुअल टाइम हमारा स्पेंड हो रहा है वो 25 घंटे लगाया जा रहा है तो सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कौन रिस्पॉन्सिबल है? उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रेस करना है अगर तो हमें फिर जो लेबर है उसका स्टैंडर्ड जो बिल्ड करना है उसको भी हमें डिटेल में एवेल्यूएट करने की ज़रूरत है। इसी तरह से हम फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट का स्टैंडर्ड बनाएंगे। अगर आप याद कर सकें तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आपके पास 2 चीज़ें हैं फर्दर, मैं फिर अगेन रिकॉल करवा दूँ। एक तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट का स्टैंडर्ड होगा और एक फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट का स्टैंडर्ड होगा। और फिर ये आगे वेरिएबल और फिक्स वाले कैसे बनेंगे इस पर मज़ीद बात हो सकती है, लेकिन चले पहले इधर आ जाते हैं कि हम
कि जो डायरेक्ट मटेरियल कितना लगना चाहिए, जो हम बेंचमार्क बना रहे हैं कि 5 kg लगना चाहिए, 20 रुपए पर kg लगना चाहिए, हाउ प्रैक्टिकली वी आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट दिस, हम ये प्रैक्टिकली कैसे डिसाइड करेंगे, इसके बारे में हमें बात करने की जरूरत है। सो मैंने यही कहा, मैंने कहा ये ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग इनकी बुराइयां। जी जेंटलमैन, जो बात हो रही है वो ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऑर्गेनाइजेशन जो बेंचमार्क्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, जिनका माइक म्यूट नहीं है जेंटलमैन वो माइक म्यूट कर दें अपना। तंजीलुर रहमान साहब जी, माइक ज़रा काइंडली म्यूट रखें प्लीज़। अच्छा जी, तो मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल का स्टैंडर्ड कैसे बनाया जाएगा, लेबर का स्टैंडर्ड कैसे बनाया जाएगा, वी नीड टू डिसाइड अबाउट दैट। तो प्रैक्टिकली ये स्टैंडर्ड कैसे बनते हैं, 5 kg 20 रुपीज़ पर kg रेट कैसे आता है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो अगेन आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल लें। लेट सपोज आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट पहली दफ़ा बाय करने के लिए चाह रहे हैं, अगर आप पहली दफ़ा वो चीज़ मार्केट से बाय करने के लिए जा रहे हैं तो आप क्या करें कि मैं अभी ये प्राइस या मटेरियल रेट के स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, इसको समझें कि कैसे बनता है। अब मार्केट से कोई प्रोडक्ट पहली दफ़ा बाय करने के लिए जा रहे हैं तो व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे आप मार्केट में जाएंगे, किसी भी शॉप पे जाएंगे, जो प्रोडक्ट आपने लेनी है उनसे प्राइस पूछेंगे, जो वो प्राइस कहेंगे आप पैसे देंगे और चीज़ लेके आ जाएंगे। आप वो ज़िंदगी में चीज़ पहली दफ़ा बाय कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखें। क्या ऐसा होगा कि जितनी प्राइस आपको कोई कहेगा आप उतनी प्राइस में भी इसको बाय कर लेंगे? तो जवाब ऐसे ही है, ऐसा है या नहीं है जी, कोई अगर रिस्पॉन्ड करना चाहे। नो सर, ऐसा तो नहीं, सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। व्हाट वी नीड टू डू, क्या करना पड़ेगा, हम 1, 2, 3, 4 मुख्तलिफ शॉप से पता करेंगे और उसकी बुनियाद पर हम डिसाइड करेंगे, ऐसे ही है ना जनाब? तो इसको टेक्निकल टर्म्स में मार्केट सर्वे करना कहा जाता है। वी विल कंडक्ट अ मार्केट सर्वे, हम सर्वे कंडक्ट करेंगे और उसकी बुनियाद पे हम अपनी वो चीज़ का जो हम बाय करने लगे थे हम उसकी बुनियाद पे एक प्राइस का, पहली दफ़ा ले तो हमने 3-4 जगहों से पूछा, अगर सेम क्वालिटी की चीज़ मुख्तलिफ प्राइस में मिल रही है तो लोएस्ट प्राइस पर हम चीज़ बाय करके निकल गए। सो नाउ ऑनवर्ड्स हमारे पास एक एक्सपीरियंस एग्जिस्ट करता है। सो अब नेक्स्ट टाइम जब हम उसी तरह की चीज़ बाय करने के लिए जाएंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि हम मार्केट सर्वे ना करें, बट एटलीस्ट हमारे पास रेफरेंस के लिए एक प्राइस मौजूद है जो हम समझते हैं हमें पे करनी चाहिए बेस्ड अपॉन द फैक्ट कि हमने लास्ट टाइम इस प्रोडक्ट को इस प्राइस पर ख़रीदा था। लेकिन अगर वेरी बिगिनिंग वेरी फर्स्ट टाइम की बात करें तो हमेशा मार्केट सर्वे करने के बाद एक बेंचमार्क अपने माइंड में या दूसरे लफ्ज़ों में आप उस प्रोडक्ट को उस प्राइस पर ख़रीदते हैं। तो सिमिलर टू दिस, जब आप प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल प्राइस का या रेट का स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं तो वो मटेरियल रेट या प्राइस का जो स्टैंडर्ड है वो इस्टेब्लिश होता है बेस्ड अपॉन द मार्केट सर्वे। जो आपने मटेरियल बाय करना है आप मार्केट सर्वे करेंगे और सर्वे की बुनियाद पे उस मटेरियल की प्राइस तय करेंगे, ये मटेरियल इतनी प्राइस पे हमें बाय करना चाहिए। दिस इज़ इनफैक्ट अ बेंचमार्क फॉर द परचेजर। हम अपने परचेजर को कहेंगे जनाब हमने मार्केट सर्वे कर लिया ना, दिस इज़ द प्राइस एट विच यू नीड टू ब्रिंग द मटेरियल इन टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से अगर हम ये लेबर रेट के स्टैंडर्ड की बात करें, वट शुड बी पेड टू द लेबर, ये इसी तरह से जैसे मैं आप अगर जॉब इंटरव्यू में अपेयर होते हैं तो जॉब इंटरव्यू में HR के लोग हमसे ये ज़रूर सवाल करते हैं व्हाट वी नीड टू ऑफर यू, आप कितने प्राइस हमसे लेंगे, कितने सर्विसेज का के बदले में आप पैसे हमसे चार्ज करेंगे। सो अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें, हमारे यहाँ जो कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत होती है तो यूजली डिफरेंट अर्ली इन द मॉर्निंग जो कैपिटल सिटीज़ हैं इसमें ये चीज़ आम तौर पर मिलती है कि बहुत सारे जो लेबर के लोग होते हैं जिसमें आम तौर पर आप देखते हैं मेसन्स हैं और जो मेसन के साथ सपोर्ट करने वाला वो मज़दूर है वो, या कोई का पेंटर है जो पेंट करता है, ये सारे लोग आम तौर पर डिफरेंट बस स्टॉप से उनको कोई पॉइंट होता है वहाँ पर वो बैठे होते हैं और पीपल यूज़ टू कम एंड आस्क देम कि आपको ये काम करना है तो बताएं कितने पैसों में करेंगे। सो वो बंदा भी मुख्तलिफ लोगों से पूछने के बाद जो लोएस्ट प्राइस वाला बंदा है जो कहता है कि कम मैं इतने पैसों में ये काम कर दूंगा, वो उसको साथ ले जाता है।
ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब प्रैक्टिकली एचआर डिपार्टमेंट जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ पे भी ऐसा होता है, लोगों को बुलाया जाता है, इंटरव्यू किया जाता है और उनसे पूछा जाता है आप ये काम कितने पैसों में करेंगे, तो जो मुख्तलिफ लोग प्राइसेस या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी बुनियाद पर एक बेंच मार्क इस्टेब्लिश किया जाता है कि इस सर्विस के लिए, इस काम को, इस डेजिग्नेशन को, इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए इतनी हमारी कॉस्ट इनकर होनी चाहिए। सो दैट इज़ लेबर रेट स्टैंडर्ड। तो मार्केट सर्वे से ही जो आपका मटेरियल रेट का स्टैंडर्ड है या लेबर रेट का स्टैंडर्ड है, या मार्केट सर्वे के जरिए से ही बनाया जाएगा। तो व्हाट इफ़ अगर हम क्वांटिटी स्टैंडर्ड की बात करें, मटेरियल की क्वांटिटी कितनी कंज्यूम होनी चाहिए, अगर हम इसका बेंचमार्क बनाना चाहें तो व्हाट इज़ द वे विद अस, हमारे पास क्या तरीकाकार मौजूद है कि हम बता सकें कि हमारी कितनी प्राइस, कितनी क्वांटिटी मटेरियल की इस्तेमाल होनी चाहिए। एनी आइडिया? पर हम पर यूनिट देखेंगे कि एक यूनिट को बनाने में कितनी क्वांटिटी यूज हो रही है। ओके, मेरा सवाल इनफैक्ट है ही पर यूनिट का, हम अभी सारी बात पर यूनिट की कर रहे हैं। बताएं कि पर यूनिट हमें कैसे पता चलेगा कि एक यूनिट के लिए कितना मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए। हम बेंचमार्क बना रहे हैं ना, हम बेंचमार्क बना रहे हैं कि एक मटेरियल हमें 20 रुपए पर केजी में मिलना चाहिए, मार्केट सर्वे कर लिया। तो हम फिर फिनिश गुड बनाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा। वेरी राइट। इसका मतलब जब भी मैंने अभी एक टर्म भी यूज की थी, ऑर्गेनाइजेशन में एक कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले प्रोटोटाइप्स बनाए जाते हैं। तो इसे टेक्निकल टर्म्स में अगर आपने ऑपरेशन मैनेजमेंट कहीं सुना पड़ा है तो इसे हम टाइम एंड मोशन स्टडी आमतौर पे ऑपरेशंस मैनेजमेंट में एक स्टडी की जाती है, इसे टाइम एंड मोशन स्टडी कहते हैं। मतलब इस बात का क्या है, इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, हमने सफिशेंट अमाउंट के अंदर रॉ मटेरियल, वट एवर रॉ मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड, ए बी सी डी जितने भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड हैं, सफिशेंट अमाउंट में हमने रॉ मटेरियल लेने हैं और एक जो प्रोडक्शन हाउस है, एक प्रोडक्शन प्लेस है, वो सारा रॉ मटेरियल हमने वहाँ पे प्लेस करना है। आप समझ लें एक रूम है, उस रूम के अंदर हमने वो सारा प्लेस कर दिया रॉ मटेरियल, एक अनस्किल्ड वर्कर लेके आए हैं और उसको हमने अंदर खड़ा किया कि जनाब ये सारा रॉ मटेरियल पड़ा है और आपने इससे ये फिनिश प्रोडक्ट हमें बना के देनी है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आप ये कह दें और उसके बाद आप कमरे से बाहर चले जाएं। जब वो चीज़ ख़त्म कर ले तो आपको आवाज़ दे दे जनाब चीज़ बन गई है, तो आप उससे आके पूछ लें जनाब आप जब शुरू किया था तब ये टाइम था और अब जब एंड कर रहे हैं ये टाइम है, तो इसका मतलब आपको इतना टाइम लगा है इस रॉ, इस एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो जितना टाइम लगा है यही हमारा बेंचमार्क होना चाहिए। अगर इतना मटेरियल हमारा लगा है तो इसका मतलब हमारा मटेरियल जो है वो इतना ही फ्यूचर में भी एक यूनिट को बनाने के लिए लगना चाहिए। अच्छा, अब सॉरी, लेबर टाइम इतना लगना चाहिए। ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये है कि हमने सफिशेंट अमाउंट के अंदर मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, सफिशेंट अमाउंट के अंदर मटेरियल रखने के बाद एक आइडियल वर्कर, एक अच्छा वर्कर जो स्किल्ड वर्कर है, उसको हमने अंदर भेजा और उसको कहा कि जनाब आप ये चीज़ बनाएं। हम स्टॉप वॉच भी ऑन कर सकते हैं कि स्टॉप वॉच ऑन कर दी, जब वो काम पूरा कर ले स्टॉप वॉच बंद कर दें, तो वी कैन कम अप विद द लेबर टाइम स्टैंडर्ड कि हमारा लेबर का कितना टाइम लगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। लेकिन ये जो टाइम लगा ये आइडियल वर्किंग कंडीशंस में लगा, बिकॉज देयर वाज नो एल्स वर्कर जो उसको डिस्टर्ब कर सकता है। हो सकता है इस टाइम के अंदर हमने उसको ये सारा काम करने का दिया हो, उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी की इंटरप्शन ना हुई हो, वो तमाम इक्विपमेंट्स जो आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन में शेयर्ड यूज़ किए जाते हैं, मल्टीपल वर्कर्स मिलके मुख्तलिफ, जैसे अगर एक कारपेंटर या फर्नीचर शॉप है तो वहाँ पे हर वर्कर के पास अपना कटर, इलेक्ट्रिक कटर शायद ना हो, वो 100 जो मैनुअल कटर है वो तो हो, लेकिन इलेक्ट्रिक कटर एक दो मशीन्स हों तो वो सारे लोग बारी बारी उसको यूज़ करते हों। तो अगर इस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस के अंदर आइडियल वर्किंग कंडीशन में तो हो सकता है अगर उसने 2 घंटे में काम किया तो प्रैक्टिकली भी अगर आइडियल वर्किंग कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं तो हर वर्कर को वो काम 2 घंटों में ही करना चाहिए। लेकिन व्हाट इफ अगर वर्कर उन 2 घंटों में काम नहीं करता तो आप उसको पिनलाइज करें, वो कहे जनाब आप ख़ुद बना कर देख लें ये चीज़ इतनी देर में बनती नहीं है। इसका मतलब जो हमने स्टैंडर्ड अप्लाई करना है वो आइडियल या थियोरेटिकल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए।
वो जो प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है, इसका मतलब जो हमने वो टाइम एंड मोशन स्टडी के जरिए आइडियल वर्किंग कंडीशन में सारा रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के बाद वर्कर को आ चीज़ बनाए, जितने टाइम में उसने बनाई उसूली तौर पे हमें वो बेंचमार्क नहीं रखना चाहिए, उसमें कुछ प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसिस के हवाले से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐड कर लेना चाहिए। हम वो क्वेश्चन ऐड कर लेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड बन जाएगा। बट ऑन द अदर साइड ये टाइम एंड मोशन स्टडी चल रही है, आपने उसको सफिशेंट अमाउंट के अंदर मटेरियल प्रोवाइड किया था, जब वो चीज़ बना चुका तो जितना मटेरियल यूज़ हुआ वो तो शायद आपको नहीं पता, लेकिन जो मटेरियल आपने दिया था वो आपको पता है, और जो प्रैक्टिकली मटेरियल बचा पड़ा है उसके बारे में भी आपको पता है। तो जितना प्रैक्टिकली मटेरियल आपके हाथ में सामने आपको बचा हुआ नज़र आ रहा है, आप उस बचे हुए मटेरियल की बुनियाद पे ये बता सकते हैं कि यूज़ कितना हुआ। लाइक अगर फर्ज कर लें हमने 100 kg मटेरियल प्रोवाइड किया था जब हमने टाइम एंड मोशन स्टडी स्टार्ट की, बंदे को अंदर भेजा कि आप चीज़ बनाएं, और जब ख़त्म हुआ काम तो 20 kg बाकी पड़ा हुआ था, इसका मतलब कितने kg यूज़ हो चुका, 80 kg। तो ये 80 kg जो यूज़ हो गया ये हमारा मटेरियल यूजेज का, मटेरियल की यूजेज की क्वांटिटी का बेंचमार्क होगा कि इतना हमारा मटेरियल यूज़ होना चाहिए। अब अगला सवाल ये है कि क्या इसके अंदर भी हमें कोई क्वेश्चन ऐड करने की ज़रूरत है, तो जवाब नो में है। रीज़न कि हमने यहाँ पे एग्जैक्टली मटेरियल कितना यूज़ हुआ उसको अकाउंट फॉर नहीं किया, हमने ये देखा कि कितना प्रोवाइड किया था और कितना यूज़ हुआ, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया और अज्यूम कर लिया कि बाकी यूज़ हो गया है। 100 kg दिया था, 20 kg बच गया, तो बाकी अजम्पशन है हमारी 80 kg यूज़ हुआ, उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट भी हुआ होगा, ज़रूरी नहीं है उस प्रोडक्ट पे लगा हो। तो इसका मतलब वो जो वेस्टेज का क्वेश्चन है थोड़ा बहुत वर्ड ऑटोमेटिकली इसके अंदर शामिल हो चुका, तो यहाँ पे हमें कुछ मज़ीद एडिशनल जिसे हम कहेंगे चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। रादर इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर अस, हमारे लिए यही बेहतर है कि जो हमने बेंचमार्क बनाया यही हमारा बेंचमार्क रहना चाहिए। तो जो 4 स्टैंडर्ड्स अभी हमने बनाने की बात की, हम इफेक्टिव रेट पर भी बात नहीं कर रहा, अगर हम इन 4 स्टैंडर्ड्स की बात करें जो हमने अभी बिल्ड किए हैं, उसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का जो स्टैंडर्ड है वो 2 चीज़ों से मिलके बन रहा है, क्वांटिटी के स्टैंडर्ड से, रेट के स्टैंडर्ड से, लेबर कॉस्ट का जो स्टैंडर्ड है ये मिलके बन रहा है हमारा जी लेबर टाइम के स्टैंडर्ड से और लेबर रेट के स्टैंडर्ड से, ये इन 2 से मिलके बने हैं। तो अगर इन 2 से मिलके बने हैं इसका मतलब ये है कि हमें जो बेंचमार्क बनाने की ज़रूरत थी वो बेंचमार्क इन दोनों चीज़ों के लिए बनाने की ज़रूरत थी। ये बेंचमार्क कैसे बने, ये जो रेट या प्राइस के स्टैंडर्ड हैं दोनों मार्केट सर्वे के ज़रिए बने हैं, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूजेज जिसे आप कहेंगे मटेरियल यूज़ कितना होना चाहिए, और टाइम या लेबर के आर्ट्स का, ये लेबर के आर्ट्स की क्वान्टिटी आप कह सकते हैं, ये भी क्वान्टिटी का ही स्टैंडर्ड है, ये कितना होना चाहिए इसका अगर हमने पता करना है। तो हमने टाइम मोशन स्टडी कंडक्ट की, उसके अंदर हमने एक चीज़ बनाई, प्रैक्टिकली बनाई, बनाने के लिए हमने आइडियल सर्कमस्टांसिस में एक वर्कर को सारे रिसोर्सेज देने के बाद का चीज़ बनाए, तो जितने टाइम में उसने बनाई हमने उसे अपना बेंचमार्क कह दिया, बट उसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं फॉर द प्रैक्टिकल रीजंस, और जो मटेरियल बच गया उसको जितना मटेरियल दिया था उसमें से माइनस करने के बाद हम बाकी अज्यूम कर रहे हैं मटेरियल यूज़ हो गया और ये हमारा बेंचमार्क है, और उस बेंचमार्क को बुनियाद बना के हम फ्यूचर में आगे चलेंगे और परफॉर्मेंस को असेस करेंगे। अगर समझ आई है अभी तक जो बात हुई है तो kindly anyone of you। जी सर, जी समझ आ गया। मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी gentlemen please। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम स्टैंडर्ड्स जो हम सेट कर सकते हैं। जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम जरा चूंकि पहले शुरू हुए हैं कॉस्ट से, मैंने डे 1 पे अगर आप मेरी बातें याद कर सके तो हमने हमेशा ये बात शुरू की थी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के 2 तरीके हैं, एक है रेवेन्यू को मैक्सिमाइज किया जाए और दूसरा है कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए। रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना इज नॉट एन ईजी टास्क, बिकॉज रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए जो भी तरीके आप करेंगे उन तरीकों के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं वो दे आर नॉट इन योर कंट्रोल, वो बियॉन्ड योर कंट्रोल हैं। अगर तो सब कुछ आपके कंट्रोल में है तो कोई मसला नहीं है, यानी आपने प्राइस चीज़ की कम कर दी तो ऑटोमेटिकली सेल बढ़नी चाहिए। क्या ये ज़रूरी है कि आपने चीज़ की प्राइस कम की है तो सेल बढ़ भी जाएगी? क्या आप कस्टमर के माइंड को भी कंट्रोल कर लेंगे जो आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है? आपने प्राइस कम की तो कस्टमर का माइंड कंट्रोल करके आप कहेंगे मेरी चीज़ लो जो कि मैंने कीमत कम की है? ऐसा नहीं है। आप मार्केटिंग करते हैं
इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मार्केटिंग करने के नतीजे में आपकी सेल बढ़ जाएगी। लोग बिलबोर्ड्स पर एडवर्टीजमेंट लगा देते हैं, हो सकता है एडवर्टीजमेंट करने के नतीजे में सेल बढ़ जाए, हो सकता है ना बढ़े। आप देखते हैं टीवी पे मुख्तलिफ कमर्शियल चलते हैं, टीवी एड्स चलते हैं, उन टीवी सीज के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद अट्रैक्टिव हों, आपको अच्छे लगते हों, लोग बड़े बड़े मॉडल्स मेल फीमेल्स को ऐड करते हैं। उसके नतीजे में क्या ज़रूरी है कि प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाए? ज़रूरी नहीं है। हम तमाम लोग अपना अपना माइंडसेट रखते हैं, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अगर किसी टीवी कमर्शियल में किसी प्रोडक्ट के ऐड के अंदर कोई बहुत बड़ा एक्टर एक्ट्रेसेस वो दिखा दी जाएँ और कहें जी मैं ये सोप इस्तेमाल करता या करती हूँ तो हम भी कन्विंस हो रहे हैं यही सोप इस्तेमाल करना चाहिए। यूजली ऐसा नहीं होता, बिकॉज अब मार्केट के जो कस्टमर के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और बहुत सारे, उसमें इनकम फैक्टर भी है, कस्टमर की इनकम कितनी है और बहुत सारे फैक्टर हैं, ये जो प्राइसिंग डिसीजंस हैं, इस हवाले से एक पूरा टॉपिक है जो आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब आप फ्यूचर में अगले स्टेजेस पे जाएंगे तो पढ़ेंगे। पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम बिगन रेवेन्यू से नहीं करते, हम हमेशा स्टार्ट कभी भी बात करने की कोशिश करते हैं तो वो कॉस्ट से करते हैं, क्योंकि कॉस्ट को मिनिमाइज करना अगर ऑब्जेक्टिव है तो हमने पहले कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स की बात की, फिर हम रेवेन्यू स्टैंडर्ड्स की बात भी करेंगे। तो हम कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं कि कॉस्ट के स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं और कॉस्ट के स्टैंडर्ड्स बनाने का ऑब्जेक्टिव इनको इम्प्लीमेंट करके इनको फॉलो करवाना है। अगर हम कह रहे हैं 5 रुपये 5 kg मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए तो होना चाहिए, अगर कोई इससे ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल कर लेते तो इसका मतलब हमारे इदारे के लिए नुकसान का बाइस होगा, तो प्रोडक्शन सुपरवाइजर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। उसको बताएं भाई 5 kg एक प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल करना है, आप कैसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यू नॉट सपोज टू डू दिस बिकॉज इससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है। अच्छा सर, ये मेरा क्वेश्चन जो है ना, सॉरी सर सॉरी टू इंटरप्ट, जी जी ये क्वेश्चन माइंड में आया क्योंकि हम लास्ट टाइम बजटिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक मटेरियल परचेज करना था तो मल्टीपल्स से परचेज कर रहे थे। जी जी, तो हमने तो उसमें वो जो सेलर है वो तो अपना बेंचमार्क उसने बना लिया कि उसने मल्टीपल से सेल करना है, ठीक है, तो जो खरीदने वाला है वो उसकी वो स्टैंडर्ड तो से हट गया ना, मतलब जो सेलर है वो आपको एक प्राइस बताता है, जैसे मुख्तलिफ ब्रांड्स है वहाँ पे फिक्स है प्राइस, कई ऐसे ब्रांड्स है जहाँ पे प्राइस फिक्स नहीं है, आप बार्गेन कर लेते हैं, वो आपको 100 रुपए की चीज बताता है, आप कहते हैं नहीं 80। अच्छा, जो आप 80 कह रहे हैं वो शायद आपका बेंचमार्क हो, अगर वो बंदा आपको 80 पे बेचने पे तैयार नहीं होता तो शायद ऐसा भी होता है कि आप दुकान छोड़ के निकलने लगते हैं तो पीछे से आवाज़ देता है, वो कहता है 90 में ले लो, तो इसका मतलब शायद उसका जो सेल प्राइस का बेंचमार्क है वो 90 रुपये का है। मेरा परचेज प्राइस का बेंचमार्क जो मैंने अपने तौर पर सेट किया हुआ था, जो मैं कह के निकलने लगा था, वो शायद 80 रुपीज़ का है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली जब बाइंग एंड सेलिंग होती है तो हर बंदा अपने सीक्रेट्स को डिस्क्लोज नहीं करता। हो सकता है आप बाहर निकल के ये कह रहे हो कि मैंने तो मार्केट सर्वे किया था, ये चीज़ तो बाकी 100 रुपए की मिलती थी, मैं उसको बुद्धू बना के चीज़ ले आया हूँ 90 रुपीज़ में, और वो जो आपको बेच रहा है वो बाद में ये कह रहा हो जनाब कितना बेवकूफ़ आदमी है, चीज़ तो 70-75 रुपए की भी मिल जाती है, ये मेरे से 80-90 रुपए में लेके चला गया। सो उसका बेंचमार्क मेरा बेंचमार्क इज समथिंग डिफरेंट, मेरा फ़ायदा उसका फ़ायदा नहीं है, मेरा नुकसान उसका नुकसान नहीं है, वो अपने बेंचमार्क के हिसाब से चल रहा है, मैं अपने बेंचमार्क के हिसाब से चल रहा हूँ। मेरी बात समझ सो सर, वी आर सेइंग दैट, यस सर, वी आर सेइंग दैट कि हम एक रेंज में रह के भी स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। जी देखिए, मुझे नहीं ना पता कि मेरा वो जो बंदा है जो सेलर है वो क्या प्राइस ऑफर करेगा, ठीक, लेकिन मुझे अपना पता है, जैसे आपने खुद ही बात कर ली रेंज, मैं मार्केट जाता हूं तो मैं अप टू डिसाइड करता हूं, मैं एक हार्ड फिक्स प्राइस नहीं लेके जाता। अगर वो मुझे पीछे से आवाज़ लगा के कहता है 90 में ले लो तो मैं 90 भी शायद देने में तैयार नहीं होता, मैं अपनी अगली प्राइस लगा देता हूं, अच्छा मेरे से 85 ले लो। तो जब वो 85 कह रहे हैं इसका मतलब आपके माइंड में है कि ये जो चीज़ है ये इतनी वैल्यू की मुझे सूट कर सकती है, तो आप उतनी वैल्यू के हिसाब से वो प्राइस कोट कर देते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट मैंने जैसे लिखा 20 रुपये पर kg का प्राइस स्टैंडर्ड सेट करके जाएं। हो सकता है कि आपने एक रेंज सेट की हो कि 20 से लेके 22 के दरमियान मिल सकता है, तो 20 से 22 के दरमियान मिल सकता है वो समथिंग डिफरेंट। ये आप प्रैक्टिकल आस्पेक्ट की बात करें। अब देखिए, मैं हूँ टॉप मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं जो अपनी टीम के लिए बेंचमार्क सेट करूँगा उसमें मैं उनको लीवरेज नहीं दूंगा,
मैं उनके लिए, उनको टाइट रखने के लिए जनाब मिनिमम जो प्राइस है वो सेट करूंगा, ताकि मैं उसको बाबर करा सकूं, भाई तुम 20 की बजाय 20.25 रुपए में लेके आ रहे हो, तुम अच्छा काम नहीं कर रहे। मैं इसलिए उसको टाइट करना चाह रहा हूं कि वो 20 रुपए में ला सकता है, अगर मैं उसको इस तरह पुश करूंगा तो वो अपनी फुल जान लगाएगा और 20 रुपए में लेके आएगा, बिकॉज मैंने उसको डरा दिया कि इसी की बुनियाद पर तुम्हारी परफॉर्मेंस एसेस होनी है। समझ पा रहे हैं बात? तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेट एक ही करते हैं, लेकिन अगर मैं आप जाती जिंदगी में इस्तेमाल करें तो हम शायद कोई ना कोई प्राइस इस तरह से सेट कर लेते हैं। एक मिनट रुकेगा, आसान हो रही है। मानूर आप सवाल कर लें जी, आपने हैंड रेस किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मुझे ये पूछना था जो आपने भी टाइम एंड मोशन स्टडी का बताया है, उसमें आप प्रैक्टिकल मतलब स्टैंडर्ड्स लेंगे उसमें जी था? जो क्वांटिटी, जी मैंने यही बताया था, जो क्वांटिटी और टाइम का स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, मटेरियल क्वांटिटी का और लेबर टाइम का, ये प्रैक्टिकली उस चीज़ को बनाने के बाद होगा। वो जो प्रैक्टिकली हम चीज़ बना रहे हैं उसको टेक्निकल टर्म्स में टाइम एंड मोशन स्टडी कहा जाता है, कि चीज़ बनाएं, टाइम भी नोट करें और उस टाइम के साथ हम देखें कि क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल हुई है, उससे हम प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स ही बिल्ड करेंगे। अगर हम आइडियल वर्किंग कंडीशन में वर्कर को काम करने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड बना होगा सारे रिसोर्सेज देने के बाद वो आइडियल टाइम का स्टैंडर्ड होगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आती है तो हमें स्टैंडर्ड को थोड़ा बहुत आगे पीछे करने की ज़रूरत है, उसको अकॉर्डिंगली फिर हम एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। मैंने बताया आमतौर पर मटेरियल की क्वांटिटी का जो इस तरह से स्टैंडर्ड बिल्ड किया गया वैसे बना, जितना मटेरियल दिया था वो हमें पता है, जो बच गया वो हमने देख लिया, उसमें से डिफरेंस निकाल के हमने अज्यूम किया, बाकी यूज़ हो गया, बट ज़रूरी नहीं है सारा यूज़ हुआ, कुछ वेस्ट भी हुआ होगा, तो इसमें मजीद क्वेश्चन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मजीद क्वेश्चन ऐड करेंगे तो लोग वेस्टेज वगैरह ज़्यादा करेंगे, तो बेंचमार्क इस तरह से इस्टेब्लिश किए जाते हैं। बेंचमार्क इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो इसकी बुनियाद पर हम इस यार्ड स्टिक के अगेंस्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर किया करेंगे। अभी ये इंट्रोडक्टरी जो डेटा है, मैं स्लाइड्स के जरिए भी और जो किताब से चैप्टर है आप उससे कुछ पढ़ें, इसको मज़ीद इंशाल्लाह फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे, और जो इसकी स्टैंडर्ड्स की बुनियाद पर फिर हमने वेरिएंसेस निकालने हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक के अलावा भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उनको भी सामने रखिएगा, तो फिर उसकी लाइट में इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। कोई और सवाल है किसी के जहन में तो आप पूछ सकते हैं। Okay, thank you very much. That's all for the day. Inshallah, next kal hum isko continue karenge. Ye jo material wagaira main share kar raha hu aap logon ke saath. Thank you very much.